गाइस आज की वीडियो हमारी काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बोला, आज हमारे पास ये काफी कमाल की मिनी बस है, देख रहे हो। एंड गाइस आज इस वीडियो में होने वाला है टग ऑफ वॉर, वो भी हमारी थार के साथ में। जी हाँ गाइस, जैसे कि पिछली बार हमने ट्रैक्टर के साथ में किया था, आज बस के साथ होने वाला है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो मिनी बस है वो थार से हर चीज में डबल है। वेट तो डबल से भी ज्यादा है और जो पावर है वो ऑलमोस्ट डबल है। तो गाइस यहाँ पर सारी चीजें जो बस के पास है, अभी क्या पिछली बार की तरह हमारी थार इसको हरा पाएगी या फिर नहीं, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो गाइस काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। आप फटाफट से जो लाइक का बटन है उसे जरूर से दबा देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल के आइकन पे प्रेस। और छोटू आ जा गाइस, अभी हम देखते हैं कि इन दोनों में से जो वो कौन जीतता है। तो भैया खींच दो लाइन। और गाइस ऐसे टग ऑफ वॉर स्कूल में भी होते थे, जो रस्सी खींचकर बच्चे ना एक दोनों तरफ रहते थे और खींचते थे। बट यहाँ पर हम इसको एक्सट्रीम लेवल पर ले आए हैं। एक तरफ है मिनी बस और दूसरी तरफ है हमारी थार। और गाइस जीतने के लिए करना सिंपल ये होगा, मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। अगर भाई बस इस पार चली जाती है लाइन के तो थार जीत जाएगी, अगर थार बस की तरफ चली जाती है तो वो तो आपको पता ही होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर हमारी जो लाइन है वो अभी खींच चुकी है। गाइज ऐसी चेन हम यूज कर रहे हैं और पता नहीं है कि ये टिक पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि टग ऑफ फोर में जो प्रेशर काफी ज्यादा लगता है, मतलब हद से ज्यादा ही लग जाता है। तो यहाँ पर आओ और इसको लगा देता हूँ मैं दोनों तरफ से, जो हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से अटैच कर दिया है। अभी देखना ये रहता है कि कौन जीतता है। बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि बस जो वो कैसी है, यहाँ पर आइए। और हाँ गाइस, ये जो एक छोटी सी बस है वो एक स्कूल बस है, और इसमें छोटे छोटे बच्चे जो वो स्कूल जाते होंगे। और मैं आपको बता दूं, जो हमारी थार है वो 1700 किलो की है और 2000 सीसी का इंजन है। बट ये जो बस है वो ऑलमोस्ट उससे सभी चीजों में डबल है, वेट भी डबल होगा एंड जो पावर है वो भी ऑलमोस्ट डबल है, क्योंकि इसमें काफी सारे लोग जो वो ट्रैवल कर पाते हैं एक ही साथ में। एंड ये जो बस है वो हमारी बस नहीं है। तो गाइस अगर इसमें कोई नुकसान होता है, कोई डैमेज होता है, मालिक ने कुछ बताया है कि इसमें कुछ नुकसान होता है ना, छोटू भी यूज करता है। और गाइज मैं आपको बता दूं, कॉइन स्विच पर जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा इजी है, और कॉइन स्विच इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, जहां पर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा उसके यूजर्स है। और हाँ गाइस, कॉइन स्विच कुबेर ऐप पर आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कॉइन स्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करते हो तो इंस्टेंटली आपको 50 रुपए के बिटकॉइन बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और यही चीज अगर आप अपने दोस्तों के साथ रेफर करते हो तो आपको 100 रुपए के बिटकॉइन और मिलेंगे। और इस टाइम पर कॉइन स्विच पर 85 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड है। लेकिन हाँ गाइस, इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी हो सकता है। बस जल्दी मत कीजिए, पहले सीखिए कॉइन स्विच के यूट्यूब चैनल से एंड ब्लॉग कुबेरवर से, और बाद में इन्वेस्ट कीजिए। तो गाइस अब आप किस बात का वेट कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से फटाफट डाउनलोड कीजिए कॉइन स्विच कुबेर ऐप और इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। सो गाइस यहाँ पर टग ऑफ वॉर के लिए हम एकदम रेडी है और थार भी रेडी है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी डैमेज हो सकता है भाई, लाखों का नुकसान भी हो सकता है, चाहे वो हमारी बस में हो जाए या फिर थार में भी हो सकता है, यहां पर कुछ कह नहीं सकते। बट भैया इसके लिए बस एक जो लाइक का बटन है ना उसे जरूर से दबा देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल के आइकन पर प्रेस, ताकि हमारे 3 मिलियन सब्सक्राइबर जो फटाफट से कंप्लीट हो सके। अभी आइए गाइस यहां पर। So guys, all set and on 3, 2, 1, शुरू हो जाओ। ओ गाइज,
फर्स्ट राउंड 4x2 में हम बुरी तरह के यहाँ से हार चुके हैं, बट यहाँ पर देखिए मैंने गाइस बहुत ही ज़्यादा जो मेहनत लगाई एक बार देख लीजिए भैया, खोद दिया पूरा का पूरा। ये क्या है? अभी गाइस यहाँ पर हमारी थार हार नहीं मानेगी, भले ही हम पहले राउंड में जो हार चुके हैं बुरी तरीके से, बट जो हमारा दूसरा राउंड है वो होने वाला है 4x4 में, और तभी हमारी बस का जो वो असली टेस्ट होगा कि 4x4 में हमारी थार को हरा पाती है या फिर नहीं। बट गाइस दुख की बात है कि 4x2 में हार गई, और मैंने आपको बताया था कि इसका जो पावर और जो वेट है ऑलमोस्ट डबल होता है, तो उन लोगों ने भी बहुत ही अच्छा किया यहाँ पर। और छोटू क्या हुआ, अरे यार मतलब जीता दिया ना उनको, जीता दिया। तो गाइस कोई नहीं, अभी ना फटाफट से वापस से सेट करते हैं, दूसरा राउंड शुरू करते हैं हमारा 4x4 के अंदर। गाइज वापस से हमने सब कुछ जो सेट करवा दिया है, बट जो थार है इस बार 4x4 में है, और देखना रहता है कि असली पावर टेस्ट इसमें ही होगा कि 4x4 में हमारी थार जो बस को खींच पाती है या फिर नहीं। तो रेडी हो जाइए सब लोग। सो गाइज सेकेंड राउंड जो वो शुरू होने वाला है ऑन 3, 2 एंड 1। गाइज फाइनली थार को हराना जो है ना इम्पॉसिबल ही है, 4x4 के अंदर थार को कोई हरा ही नहीं सकता है भैया, आराम से बड़े आराम से आप लोग देख लीजिए। एंड ये तुक्का हो सकता है, चलिए मान लीजिए हमने जो हार गए, एक और राउंड लगवा देते हैं, सेट करो फटाफट से सेट करो। चलो 4x4 के अंदर ये होने वाला है दूसरा राउंड यहां पर। सो ऑल रेडी ऑन 3, 2, 1, go! Go! गाइज सो फाइनल हम एक रिजल्ट पर आ चुके हैं यहाँ पर कि ये जो थार है ना भैया, इसको 4x4 मोड के अंदर हरा पाना किसी के बस की बात नहीं है भैया। आपने देखा ही होगा टायर घूम रहे थे, इसके भी घूम रहे थे, हालांकि थार के भी जो वो घूम ही रहे थे, बट यहाँ पर सक्सेसफुली जो वो हमने वापस से इस बड़ी सी चीज़ को हरा दिया, और ये काफ़ी यार बड़ी चीज़ है, मतलब आप समझ लो भैया। छोटू तू है ना जिसकी टीम में होगा वो हारता ही रहेगा। एंड गाइस मैं आपको बताऊं, यहाँ पर थार को 4x4 मोड में रखा गया था, तब ने इसने जो पावर है ना वो असली दिखाया और बस को खींच कर रख दिया। अभी गाइस मुझे पक्का पता है कि इसके सामने काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े जो व्हीकल भी हार मान सकते हैं, और अगर आप लोग ऐसी वीडियो ट्रक के साथ चाहते हो, बड़े वाले ट्रक के साथ, कि थार जीतेगी या फिर बड़ा वाला जो ट्रक जीतेगा, तो भैया कमेंट करके बता देना और इस वीडियो पे 3 लाख लाइक करवा देना। जब भी 3 लाख लाइक हो जाएंगे हम वो वीडियो रिलीज कर देंगे। बाकी यार आपको इस वीडियो में मजा आया हो ना और ऐसे वीडियोस आगे देखना चाहते हो, तो करो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल के आइकन पे प्रेस। और भैया सबको मजा आया ना? ओ गाइस चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।